प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय पर दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस कोरोना की महामारी से हम लड़ाई जीतने के सपने देख रहे हैं, अगर उसी सपने के असली सिपाही डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हमारे कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, अगर वही इस बीमारी की चपेट में आ गए और आने वाले कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल पर ही अगर ताला लगाना पड़ गया, अगर हॉस्पिटल के कर्मचारी ही बीमार होकर अपने घर में बैठ गए या उनकी मृत्युएँ होने लगी, तो हम उस स्थिति को कैसे काबू कर पाएंगे और उसके बाद जो आने वाले जो लाखों करोड़ों मरीज होंगे उनसे हम कैसे टैकल कर पाएंगे, उन मरीजों को हम कैसे बचा पाएंगे। तो मैं फटाफट आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस विनती को ध्यान से सुने। प्रधानमंत्री जी, हमारे अस्पतालों में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, आज भी बिना पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के, बिना प्रॉपर स्टरलाइजेशन के, बिना प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साधनों के पूरे वार्डों में ऐसे ही मरीजों को देख रहे हैं जैसे पुराने टाइम में देख रहे थे। और आज ये गंभीर स्थिति है कि अगर इनकी कमी की वजह से हमारे स्वास्थ्य कर्मी बीमार पड़ गए या मरने लगे तो हमारे हॉस्पिटल्स पर ताला लग जाएगा। इसलिए समय रहते हुए उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दे दीजिए, उनको पूरे साधन उपलब्ध करा दीजिए। प्रधानमंत्री जी, हमने एक बड़ी गलती कर दी है। वो गलती क्या है कि हमारे जो जनरल हॉस्पिटल थे, जो मेडिकल कॉलेज थे या जो पुराने जो रनिंग हॉस्पिटल्स थे, उसी के अंदर ही कोरोना के मरीजों के देखने के लिए फ्लू क्लिनिक चला दिए हैं या फिर वहीं पे वार्ड बना दिए हैं। अब एक कोरोना का मरीज आता है तो वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहा होता है या आ सकता है उस स्थिति के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो फ्लू क्लिनिक हैं या फ्लू के लिए या फिर इस कोरोना महामारी के मरीजों के लिए शहर से दूर, कम से कम जहां पर आबादी ना हो वहां पर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाइए। और मैं ये कहता हूं कि अगर हमने शहर के बीच में ही ये कोरोना के क्लिनिक चला रखे हैं या फिर कोरोना के हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए तो स्थिति ये आएगी कि इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला और हमारे जो जनरल जो अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं वे भी उनसे इन्फेक्ट हो जाएंगे और हमारा जो हॉस्पिटल जो स्टाफ है जो जनरल मरीजों को डील कर रहा है वो भी उनसे इन्फेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, जो शहर से बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, जो प्लेग्राउंड हैं या फिर जो क्रिकेट के ग्राउंड हैं, स्टेडियम हैं, उनके अंदर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स का निर्माण करवा लीजिए। और अगर वो हमने निर्माण समय रहते हुए नहीं कराया तो हमारे जो जनरल हॉस्पिटल्स के जो मरीज हैं वे भी कोरोना के मरीजों से इन्फेक्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हमें ज़रूरत है चाइना की तरह टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने की जो कि आबादी से दूर हो, और उन हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए आप मिलिट्री और पैरामिलिट्री को हमारी मदद के लिए उतार दीजिए। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कम से कम 500 से लेकर 1000 बेड का हर जिला स्तर पर एक हॉस्पिटल बनाया जाए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक भी मरीज जो हमारे पास कोरोना पॉजिटिव आता है उसको दवाई दे के घर पर ना भेजें, हम हर मरीज को उसी टेम्परेरी हॉस्पिटल के अंदर कि उसका इलाज करें। अगर हमने उस मरीज को वापस उसके घर भेज दिया हल्की फुल्की दवाइयां देके कि आप घर पे ठीक हो जाओगे, आपकी स्थिति ठीक है और आप घर पे ही अपना इलाज कीजिए, तो वो मरीज एक नहीं 10-20 मरीज लेके अपने साथ हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारे पास फिर से आएगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप अभी से टेम्पररी हॉस्पिटल हर जिला स्तर पर बना लीजिए और उसके अंदर मिलिट्री और पैरामिलिट्री की सहायता लीजिए, क्योंकि उनके पास अच्छे से साधन भी होते हैं और वे इस तरह के जो टेंट लगाने के लिए, इस तरह की जो टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाने के लिए वे एक्सपर्ट होते हैं। ये मैं आपको एक मेरी विनती है कि आप ये काम समय रहते हुए कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी, जो कोरोना के जो हम हॉस्पिटल बनाएंगे, टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके अंदर काम करने वाला हमारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी होंगे, डॉक्टर होंगे, उनको वापस घर मत जाने दीजिए। उनका जो खाने पीने का और रहने का जो अरेंजमेंट है उसी हॉस्पिटल के आसपास कीजिए, क्योंकि जो इस तरह के कोरोना के मरीजों के साथ जो काम करेंगे, जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वे घर पर अगर इस इन्फेक्शन को लगा देंगे तो वे उनका परिवार अगर बीमार हो गया या वे खुद बीमार हो गए या फिर अपनी सोसाइटी जाके वो बीमारियां फैलाएंगे तो वे खुद के लिए भी समस्या बनेंगे और हमारे हेल्थ सिस्टम में हमारे जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसको देने में भी हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमारे डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका खाने पीने का और रहने का जो व्यवस्था है, जो संसाधन है, वहीं पे उसी कैंपस में उपलब्ध कराइए। और मैं ये चाहता हूं कि इस जो इंतजाम की देखरेख है वो मिलिट्री या पैरामिलिट्री ही करे। अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को खाना पीना टाइम पे नहीं मिलेगा तो निकल निकल के अपने घरों की तरफ दौड़ेंगे और वो अपने घरों की तरफ जाएंगे, कभी भी, कभी दिन में जा रहे हैं, कभी रात में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन अपने घर वालों को देंगे।
प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डेड बॉडियां होंगी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, इस महामारी की वजह से, तो वो जो हम टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाएंगे उसके आसपास ही, उसके जो पोस्टमार्टम होगा वो हाउस भी, टेम्परेरी पोस्टमार्टम हाउस भी उसके आसपास ही बनाना है, और साथ ही साथ जो उस मरीज की अंतिम क्रिया है, जो उसका जो शमशान जो घाट होगा वो, उसको एक टेम्परेरी क्रिमिनेशन हाउसेज भी वहीं पर उसी हॉस्पिटल के आसपास एक बंद कॉरिडोर के अंदर ही बनाइए, और जो वो डेड बॉडियाँ हैं जो कोरोना से इन्फेक्ट होंगी उनको, उसके परिवार को मत दीजिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं डेड बॉडी में जो अंतिम क्रियाएं करने के चक्कर में हमारे पास 10-20 मरीज बढ़ा के ही वापस आएंगे, घटेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी, अब मेरी आपसे विनती है आईसीयू और वेंटिलेटर्स के लिए, आईसीयू की जो इस्टेब्लिशमेंट होगी, जो वेंटिलेटर की जो व्यवस्था होगी, वो किसी भी मेडिकल कॉलेज के आसपास 5-10 किलोमीटर के आसपास, कोई भी, कोई पुराना कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग है जो बड़ी है, उसको उसी के अंदर ही आईसीयू की स्थापना करवाइए, जो टेम्परेरी आईसीयू बनेंगी, क्योंकि आपको जो आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर चलाने के लिए जो डॉक्टर हैं, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, वो किसी मेडिकल कॉलेज में से ही मिल सकते हैं इतनी ज्यादा अमाउंट में। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी करीबन किसी भी मेडिकल कॉलेज के आसपास 500 से लेके 1000 वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए, जिसके अंदर की जो आईसीयू होगा उसके अंदर जो डॉक्टरों की जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था हम उसके आसपास के किसी मेडिकल कॉलेज से कर पाएं, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास एनेस्थीसिया के इतने डॉक्टर नहीं हैं कि वे एक टेम्परेरी हॉस्पिटल चलाने के साथ साथ वो वेंटिलेटर भी ऑपरेट कर पाएं। इसलिए वेंटिलेटर और आईसीयू जो ऑपरेट करने हैं, जो लगाने हैं उन 20% मरीजों को जो कि कोरोना से ग्रसित होंगे, उसके लिए हमें किसी भी मेडिकल कॉलेज या पीजीआई के आसपास एक टेम्परेरी आईसीयू बनाइए। उस मेडिकल कॉलेज कैंपस में नहीं बनाना है, लेकिन उसकी रेंज में बनाइए, करीबन 5 या 10 किलोमीटर की रेंज में, ताकि डॉक्टर शिफ्ट वाइज उसमें आ सकें, जा सकें और किसी हॉस्टल के अंदर या सरकारी बिल्डिंग के अंदर रह भी सकें। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे विनती है कि जो टेम्परेरी हॉस्पिटल जो कोरोना वायरस की महामारी के लिए बनाए जा रहे हैं, उसको एक कमांडो की तरह देखिए, उसको एक फौजी की तरह देखिए, जो जंग में जीतने के लिए जिसको जाना है, अगर जंग में जिताने के लिए किसी फौजी को भेजा जाता है तो उसके पास एक अच्छा सुरक्षा कवच होता है, उसके पास एक अच्छी बंदूक होती है, उसके पास अच्छा गोली बारूद होता है, उसके पास अच्छा खान पान होता है, तभी वो फौजी जीत पाता है उस जंग में। अगर हमारा हॉस्पिटल, जो टेम्परेरी हॉस्पिटल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आपसे विनती कर रहा हूं, जिसके लिए मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूं, अगर आपने उसके अंदर कोई भी कमी छोड़ दी, तो उस कमी का खामजियाना पूरा समाज भुगतेगा, पूरा देश भुगतेगा। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे ये विनती है कि आप एक वार रूम बना लीजिए, जिसके अंदर की डॉक्टर होंगे, मेडिकल डॉक्टर होंगे, साथ में वैज्ञानिक होंगे, जो कि इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए जिनको अच्छी नॉलेज होगी, और वह उसके अलावा किसी अन्य अफसर को उस वार रूम में मत बैठने दीजिए, नहीं तो कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, वे आखिर तक आपके कान में बड़ी मीठी मीठी और शहद लगी हुई बातें बोलेंगे, और जब तक कि जहाज ये डूब नहीं जाएगा, जब तक कि हमारा पूरा देश महामृत्यु की चपेट में नहीं आ जाएगा, तब तक वे आपको सच्चाई से अवगत नहीं होने देंगे। तो मैं ये चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे ये विनती है कि ऐसे लोगों से आप उस वार रूम में वार्तालाप ना करें, जो आपको चिकनी चुपड़ी बातों से ये कहते रहे, नहीं नहीं, नहीं प्रधानमंत्री जी सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। और मैं ये चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप इस स्थिति को एक वार, एक युद्ध की तरह लीजिए, जैसे कि एक न्यूक्लियर वार होता है, वैसे ही इस स्थिति को लीजिए। अगर आपने इस स्थिति को वार के रूप में नहीं लिया, वार रूम नहीं बनाया और उस वार रूम में वैज्ञानिकों से और डॉक्टरों को नहीं बिठाया, तो आप स्थिति से कभी भी सच्चाई से अवगत नहीं हो पाएंगे, और हम इसका खामजियाना लाखों मौतों के साथ भुगतेंगे।